आप क्यों ना सुन रहे एक जो इबादत का की डेफिनेशन की है, जिसको हम के मा खलक तो जिन्ना वाले इंसान बोले यार बोल दे, ये जिन्हों इंसान को हमने इबादत के लिए पैदा किया है, नहीं पैदा किया सो इबादत के माना एक ही है। तो इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है? इबादत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप 24 घंटे में 2 घंटे नमाज पढ़ ली तो आप बस बड़े जमा होंगे, साल बाद 1 महीना रोजा रख लिया, आप साहिब निसाब में तो साल वो जफा दे दी, साहिब इस्तात है तो हज कर लिया, बाकी ज़िंदगी कदर गई। जो मेरी ज़िंदगी मस्जिद के बाहर की है वो क्या है? देखें ना आप, वो बहुत सारे आप सूरह माउन को इस्लामी फलसफा ज़िंदगी में कबला में डिस्कस किया है इस चीज़ को कि हलाकत और बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए, फ़वैदुल मुसब्बे। अब नमाज जो नहीं पढ़ता उसको तो लग रखे ना, जो पढ़ रहे हैं ना उसके लिए, उसकी नहीं भी हलाकत, इसलिए कि उसने जो आगे उसकी डिटेल सूरह माउन में दी गई। हम जो सुनने वाले आपके दोस्त हैं और मुझसे बेहतर पढ़े लिखे हैं सारे, उसको पढ़ भी ले तो वो क्या है? आरायत अल्लाह से जो कज़ब हो बेतीन फ़ज़ालिक अल्लाह से यदो उन यतीन वला यफ़ुद वला तामन मिस्किन फ़वैलुल मुसल्लिन। आप ये सारे पढ़ लें कि इबादत क्या है। तो गुजारिश यह है कि आप जो आइडियल ज़िंदगी, मैंने तबका पहले अम्बिया का गिनवाया और फिर दूसरा, जब तक आपके अंदर दूसरों का एहसास नहीं है, अब बेशुमार हदीस हैं हज़रत ने फरमाया कि भाई रास्ते में ना बैठा करो, अगर बैठना है तो उसके कुछ आदाब हैं, गुजरने वालों को तंगी ना हो, आप अपनी निगाह की भी हिफाजत करें, आप ऐसी मौजू ना डिस्कस करें गुजरने वाले को नागवार गुजरे और सारे आदाब सिखाए। तो ये चीज़ जो इस्लाम ने हमारा जो ज़ाब्ते हयात है इसके बाहर नहीं निकल सकते मैं और आप। अगर मैं बस एक लाइन पे चल रहा हूँ, मुझे दाएं बाएं ना हमसाए की खबर है, ना रिश्तेदारों की खबर है, ना मोहल्ले की खबर है, ना गांव की खबर है, ना किसी की। और अगर सर सिर्फ 2-4 जुमलों में मकसद हयात की तारीफ पूछूँ तो आप क्या कहेंगे? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आप भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो मकसद हयात के लिए आपके सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल के बगैर नहीं। ठीक, अब जितने हमारे हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, मुसलहीन हुए, मुजद्दीन हुए, या जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया सोशल सेक्टर में, समाजी सेक्टर में, तो कोई ना कोई उनके सामने रोल मॉडल होता है। बेशक जब आपके सामने रोल मॉडल नहीं होता तो फिर आप मुंतशर ख्याल होते हैं, कभी कहते हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं, वो भी सारे ठीक कह रहे हैं, आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है? इसीलिए देखा रोल मॉडल तो सबसे बड़ी तो हुज़ूर की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोल मॉडल ऊपर थे, फिर जो हुज़ूर के नक्शे कदम पर आए जितना करीब है उतना काबिल एतमार है। बेशक तो आपकी मेरी, मैं समझता हूँ कि मैं मरकज़ पर बैठा हूँ 36 साल, मैंने हुज़ूर शेख इस्लाम से के साथ सफ़र भी किया, अच्छा अकेले भी मिले, उठना बैठना देखा, खाया पिया उनके साथ, तो मेरे लिए तो ये ऑनर है। बाकी यारे की अपनी तबीयत है जहाँ वो मुतमिन होता है, मैं किसी को बॉन्ड तो नहीं करता। जी कि जो उनको देखा उनको जो है, जो लोगों के सामने जो चीज़ नहीं होती वो बेहतर पाया, उससे जाहिर से बातन को बेहतर पाया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी को रोल मॉडल अपनाएं, आप किसी सेक्शन में भी चले जाएं, मैंने कहा ना कि आप हैं जी के समाजी सेक्टर में चले गए, सोशल सेक्टर में आप काम कर, किसी को भी देख लें किसका काम आपको पसंद है, आप दीनी तबके में दीन में काम करना चाहते हो, रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, आजकल जो हमारा सोशल मीडिया का दौर है ना, ये बड़ा अजीब सा है, हर बंदा ये फौदी मसले बना हुआ है और हर एक को तनकीद पहले करता है तो तारीफ शायद मुश्किल से करता है।
वजह उसकी ये है कि हम थोड़े बदकिस्मती से, सबको मैंने कहता हूँ कि एक गालिब अक्सरियत नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा है, पॉजिटिव थोड़ी आके। हालांकि हमें दीन ने कहा कि ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, अच्छा गुमान रखें ताबक्ते कि कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है। हम अगले बनने की बात में से पहले ये ढूंढते हैं कि ये गलत क्या है इसमें। यही है ना, ये नेगेटिव अप्रोच है। देखें, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, बेशक उस मेहरमान है तो ना किसी को आप परखें, लेकिन जब पॉजिटिव होते हैं तो आप ये स्पेशल नज़र ये होता है कि फलां शख्स में ये खूबी है। गिलास पानी का जैसे लोग मिसाल देते हैं, एक कह रहा है इतना फैली है, दूसरा कह रहा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो एक रोल मॉडल है जी। फिर जैसे कहते हैं कि मैं भी हम कहते हैं एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा, तो सफ़र भी अच्छा हो, हम सफ़र भी अच्छा हो, राहबर भी अच्छा हो, आप इंजॉय करते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ बेहतरीन उसवा हुज़ूर की ज़ात है, विश दीन वही है, असल दीन वही है। मेरा और आपका मिजाज दीन में ही है कि मैं अपने मिजाज, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो तो ठीक है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो ठीक। तो उसके अंदर दूसरी बात जो है वो आप ये सोचें कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का दीन है, मैंने पढ़ा है, मैं क्या इस सिलसिले में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सही। दूसरा वो भी असलम दीन भी तो फलके खुदा की हदायत है ना, रहनमाई है, क्या कर सकते हैं। दूसरा सोशल सेक्टर है ना, आप सोशल सेक्टर में देखें क्या कर सकते हैं। तीसरा जो बाकी बचता है ना, आप एजुकेशन सेक्टर है, कोई भी करें, आप बिजनेस भी करें, मैं तो कहता हूँ बिजनेस करें, लेकिन यह है कि अल्लाह की मखलूक को ना बोलें, उसका ना बोलें। Audio Jungle.